हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज मैं आपके साथ अपना चैप्टर लूंगी, चैप्टर नंबर 9, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और हम कंटिन्यू करेंगे आगे से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। ये हमारी 3 टेक्निक्स होंगी जिससे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन में से 3/4 एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और इंडिया की 60-70% लैंड एग्रीकल्चर के अंदर ही यूज करी जाती है। इंडिया की लैंड इतनी ज़्यादा फर्टाइल है कि मतलब ये इंडिया हमारी 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारा कॉटन, शुगर केन, इन सबका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 3rd में। और सेकंड नंबर पे राइस और वीट या हमारे स्टेबल्स की प्रोडक्शन होती है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड टाइप्स ऑफ फार्मर्स हम देख लेते हैं। 3 टाइप के फार्मर्स होते हैं बेटा। पहला स्मॉल, दूसरा मार्जिनल, तीसरा प्रोग्रेसिव। ठीक, इन तीनों की कैटेगरीशन उनके फाइनेंशियल कंडीशन को देख के करी जाती है, कितनी लैंड उनके पास है उसको भी देखकर करी जाती है। इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पर हम इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्मॉल, मीडियम और प्रोग्रेसिव के बेसिस पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनके अंदर अच्छा, हाँ, एक चीज और देखी जाती है कि इनके पास टेक्नोलॉजी कितनी है। अब डायरेक्ट लिंकेज कहाँ आता है? डायरेक्ट लिंकेज यहाँ आ जाता है कि जिस हिसाब से जितने फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी उनके पास है उतने उसी के हिसाब से वो लोग अपने मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर सकते हैं या इनपुट्स यूज कर सकते हैं। जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो मॉडर्न टेक्निक्स कैसे यूज करेंगे, है ना? जितनी ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके वो अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्डिंग को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ठीक, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या मतलब है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। वो कहाँ कहाँ से अपने न्यूट्रिशन ले सकता है? वो न्यूट्रिशन अपना ले सकता है एयर से, सॉइल से और वाटर से। ये 3 उसके मेन सोर्सेस हैं जहां से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स का मैं नाम बता रही हूं जो कि प्लांट यूज करता है अपनी ग्रोथ में। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो बेसिक है। ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, कार्बन। ठीक है, ऐसे ही चलते जाते हैं। ठीक, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसके ग्रोथ में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, इन न्यूट्रिएंट्स से होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको पता ही है, उससे ग्रोथ होती है और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है प्लांट का। दूसरा, अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना? अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, वो बेचारा मर जाएगा। इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक, बस अब हम आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस, एयर, सॉइल, ठीक है, और वाटर।
एयर से क्या क्या? कार्बन ऑक्सीजन, सॉइल से सल्फर, नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सुमन। ठीक, वाटर से, वाटर से इसको मिल रहा है सिर्फ हाइड्रोजन। ठीक, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, प्लांट के अंदर जितनी भी ग्रोथ हो रही है और जो प्लांट टिश्यू फॉर्म हो रहा है उसमें से 94% कंपोनेंट्स हमारे एयर से और वाटर से ही मिलते हैं, 94 से लेके 99.5%। ठीक, ये सारा काम सिर्फ एयर और वाटर कर रहे हैं, बाकी के बचे 0.5 से लेके 6% सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। ठीक, प्लांट टिश्यू, ठीक, चले लेट्स गो। अब करते हैं क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट्स का। ठीक, चलिए, दो टाइप्स हैं इसके, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो, मैक्रो का मतलब, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ज्यादा। माइक्रो कम, छोटी क्वांटिटी। जो न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में यूटिलाइज करे जाते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो बड़े और अच्छे स्केल पर यूज करे जाते हैं न्यूट्रिएंट्स उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब मैं इसका तुम्हें एग्जांपल दे रही हूं, ये रहे कुछ माइक्रो। ठीक, माइक्रो में इधर आता है नाइट्रोजन, ठीक, आयरन, बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, और यहां पे फॉस्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इसमें जो ये पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इनको प्राइमरी एलिमेंट भी बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनका क्या काम है यील्डिंग में, कैसे यील्डिंग में मदद करते हैं, आइए देखते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स को हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स को भी की तरह बोला जाता है, मैन्योर्स नेचुरल फर्टिलाइजर्स बोले जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। ठीक, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स बहुत कम प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनका ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, क्वांटिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, और जिस उसी कंपैरिजन में न्यूट्रिएंट्स कम और क्वांटिटी ज्यादा, इतना सारा मैन्योर डालेंगे तो इतने से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक, चलिए, ये बनते कैसे हैं? ये प्रिपेयर्ड बाय एनिमल एक्सक्रीटा या वेस्ट या यूरिन या कैटल जो खाना नहीं खाता, जो वेस्ट कर देता है वो, या वेजिटेबल या फूड वेस्ट एक्सेट्रा से बना जाता है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली डीकम्पोज करा जाता है इसको, उसके बाद हमारा मैन्योर तैयार होता है। ठीक, लेट्स गो।
आगे बढ़े, अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। एनरिच विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं बस। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्वांटिटी इतनी ज्यादा, न्यूट्रिएंट्स इतने कम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एड्स ऑर्गेनिक मैटर दैट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर क्या, ऑर्गेनिक मैटर क्या, क्या इसके अंदर ये ऐड कर रहा है, उसको बोला जाता है ह्यूमस। ठीक, ह्यूमस ये ऐड करता है जिससे कि सॉइल की टेक्सचर बेटर हो जाती है। टेक्सचर बेटर होने का मतलब क्या है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर देता है। जैसे कि हमारी जो सैंडी सॉइल होती है और क्ले सॉइल होती है, इसके अंदर ये वाटर स्टोरिंग या होल्डिंग कैपेसिटी है उसको ये इंक्रीज करता है। ठीक, और जो क्ले सॉइल है इसके अंदर ड्रेनेज को कम कर देता है या रोक देता है। ठीक है, जैसे ही ड्रेनेज हो जाती थी, ये प्रॉब्लम पहले होती थी, ड्रेनेज जैसे ही हो जाती थी हमारा प्रोडक्शन ठीक से हो ही नहीं पाता था, सॉइल के अंदर प्लांट ग्रो ही नहीं करता था क्योंकि पानी की लीकेज हो जाती थी नीचे से, क्योंकि रिटेंशन था ही नहीं, कोई उसके अंदर पार्टिकल थे ही नहीं जो उसको पानी को रोक ले, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले ताकि न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई अच्छे से बना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये फूड प्रोवाइड करता है किसको, फूड प्रोवाइड किसको कर रहा है, अर्थवर्म्स, हमारे सॉइल के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स रह रहे हैं उनको ये फूड प्रोवाइड करता है। जितने भी इंसेक्ट्स और जो ऑर्गेनिजम्स नीचे चल रहे हैं सॉइल के अंदर वो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अर्थवर्म से बेटा अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अर्थवर्म्स का कंपोस्ट बनाने में या ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने में। ठीक, चलिए इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज मॉइस्चर होल्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की बेटर करता है मैन्योर। ठीक, फिर रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं होने देता। थर्ड है मॉइस्चर को होल्ड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वे ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट एंड इट प्रोटेक्ट्स एनवायरमेंट फ्रॉम सिंथेटिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने का मतलब क्या है बेटा, इट इज अ वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मैटर। आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो जला के, आप उसे कंपोस्ट बना के रख रहे हो, उसको आप आगे यूज कर रहे हो, आप उसे रिसाइकल कर रहे हो, आपके यूज में फिर से आ चुका है वो। जैसे ही वो मैन्योर बनता है आप उसे अपने प्लांट्स में डाल देते हो और अपनी आप ग्रोथ इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, ऐसे आप अपने से रिसाइकल करते हो। उसके बाद ये हमें एनवायरनमेंट को बचा रहा है। एनवायरनमेंट को कैसे बचा रहा है, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को फर्टिलाइजर से रिप्लेस कर दें, फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल को डिग्रेड करते हैं, वो जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं उससे हमारी सॉइल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, सॉइल उपजाऊ नहीं रह पाती। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैन्योर्स देखें।
ठीक है, कंपोस्ट, ठीक, एफ वाई एम और ग्रीन मैन्योर। एफ वाई एम क्या होता है? फूड यील्डिंग मैन्योर, ठीक। ये कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है एनिमल वेस्ट से या उनके एक्सक्रीटा से या यूरिन से या कैटल वेस्ट से, ठीक। और कंपोस्ट किससे बनाया जाता है? कंपोस्ट बनाया जाता है, इसमें ह्यूमन वेस्ट सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, एनिमल वेस्ट, वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है घर के अंदर, जो हमारा वेस्ट रहता है उसको भी इसमें यूज करा जाता है, ठीक है। बाकी कैटल्स का जितना भी वेस्ट है वो सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर होता है जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स प्लांट्स वेस्ट को यूज करके मैन्योर बनाया जाता है। ठीक, समझ गए बात? एफ वाई एम शॉर्ट फॉर्म बता रही हूं, एफ वाई एम, कॉम्पोस्ट और ग्रीन मैन्योर, तीन टाइप्स के मैन्योर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। मैं कंपोस्ट को आपको और डीपली बता देती हूँ, कंपोस्ट में क्या क्या होता है। एरोबिक और एनएरोबिक, इन दोनों की प्रेजेंस होती है। ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक। एरोबिक, एयर, AER, इससे आप रिलेट कर सकते हो एयर, जिनको सर्वाइव करने के लिए एयर की जरूरत होती है, ठीक। और एनएरोबिक, जिनको एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स कंपोस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। चलिए ग्रीन मैन्योर को मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इम्प्रूव्स फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ह्यूमस की प्रेजेंस को इंक्रीज कर देता है ग्रीन मैन्योर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और हाँ, एक सॉइल फर्टिलिटी भी इससे इंक्रीज होती है, ठीक है। सॉइल हमारी और ज्यादा उपजाऊ होती है। एक पॉइंट में और आपसे शेयर करती हूँ बेटा, सिक्किम हमारी एक ऐसी लौती स्टेट और पहली स्टेट जिसने अपने आप को फुल्ली ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल यूज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैन्योर यूज किया जाता है, वो भी नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, कुछ यूज नहीं होता यहाँ पे, फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स बिल्कुल बैन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा सॉइल फर्टाइल क्यों है, यहाँ का टेम्परेचर इतना अच्छा कैसे हो जाता है और ये सब ऐसा क्यों है। इंडिया के अंदर डबल मानसून सीजन है बेटा, इसी की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन और हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और इससे हार्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है और ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मैन्योर प्रोडक्शन इंक्लूड्स मल्चिंग बाय प्लॉइंग। मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मल्चिंग का मतलब ढक देना, पत्तों से ढक देना, किसी भी चीज को पत्तों से ढक दोगे तो उसे मल्चिंग बोला जाता है, ठीक। एंड मिक्सिंग ऑफ ग्रीन क्रॉप्स
विद सॉइल. ठीक, मल्चिंग का मतलब पत्तों से ढक देना. इसमें होता क्या है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स उगाए जाते हैं. जैसे मैं भी आपको लिखवाती हूँ, फिर मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मस्टर्ड, क्लोव्स, फेन्यूग्रीक, ल्यूपिन, सनहेम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम में आते हैं कि ग्रीन मैन्योर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं. काउपी, जैसे को हम लोबिया भी बोलते हैं. इन प्लांट्स को उगाया जाता है, उगा के उनको पत्तों से ढक दिया जाता है और फिर इसे नेचुरली डीकम्पोज कर दिया जाता है. समझ गए? ठीक है, चलिए मैंने आज का टॉपिक आपके साथ ले लिया है. नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फर्टिलाइजर्स. जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने डाउट्स कमेंट्स में जरूर लिखिए. थैंक यू.